हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अकरम फैशन डिजाइनर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं पजामे में पॉकेट किस तरह से लगाया जाता है, क्योंकि दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिलाई करने के शौकीन होते हैं, वो पजामा भी बना लेते हैं लेकिन उनमें जेबें जो नहीं लग पाती। आज की वीडियो में हम उनको बताएंगे आप पॉकेट किस तरह से आसान तरीके से लगा सकते हैं। दोस्तों, पॉकेट लगाना बहुत ही आसान है और बहुत ही ईजी है। आपको क्या करना है, आपको हमारी वीडियो को पूरा देखना है और एक एक टिप्स को बारीकी से समझना है, क्योंकि दोस्तों हम आज की वीडियो में आपको बहुत ही बारीकी से समझाने वाले हैं आप पॉकेट किस तरह से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं पजामा में पॉकेट किस तरह से लगाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास पजामा है जिसकी हमने कटिंग पहले से ही कर ली है। आपको इस कपड़े को इस तरह से एक बार खोल लेना है और इस तरह से खोलने के बाद दोस्तों, ये जो हमारा कपड़ा है, ये साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा है जो हमारे पॉकेट में और नाड़े में हमेशा काम आता है। देखिए दोस्तों, पॉकेट लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम पॉकेट के निशान लगाएंगे कि हमें कहाँ से कितना कपड़ा छोड़ना है और हमें जो जेब का मुँह किस किस तरह से आपको रखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ जो हमारा कपड़ा है, यहाँ से हम छोड़ेंगे 5 इंच का। आप 5 इंच या फिर 5.5 इंच छोड़ सकते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको 5.5 इंच पर एक निशान लगा लिया है और जो दूसरा हम निशान लगाएंगे यहाँ से 6.5 इंच का। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ से और यहाँ पर जो 6.5 इंच का जो हमने निशान लगाया है, जो हमारी जेब का मुँह रहने वाला है वो रहेगा 6.5 इंच का। ये निशान लगाने के बाद हमें सिलाई है जो किस तरह से लगानी है हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारी सिलाई लगेगी हम यहाँ से लगाएंगे, सिलाई शुरू करेंगे यहाँ से। जो हमारे किनार है तकरीबन इसको 1/2 इंच छोड़ते हुए हमारी मशीन को हम यहाँ से इस तरह से चलाएँगे और यहाँ पर हमारी मशीन को हम लाकर छोड़ देंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर ये जो हमारा निशान है जहाँ से हमारी पॉकेट का मुँह शुरू हो रहा है, यहाँ पर हम हमारी सिलाई को पक्की करेंगे और यहाँ पर पक्की करने के बाद दोस्तों, यहाँ से आगे तक हम दोबारा से सिलाई लाएंगे और जो सिलाई लगेगी हमारी यहाँ पर वो रहेगी कच्ची। और ये सिलाई कच्ची लगाने के बाद यहाँ से इसको पक्की करेंगे और उसके बाद सारे में हम इसकी सिलाई लगाएंगे। और दोस्तों, और सिलाई बाकी किस तरह से लगेगी और सही तरीके से हम आपको बताएंगे मशीन पर। दोस्तों, ये निशान लगाने के बाद जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हम हमारी पॉकेट निकालेंगे और पॉकेट हमें चाहिए 21 इंच की लंबाई। दोस्तों, हमें पॉकेट की 21 इंच की लंबाई चाहिए, उसके लिए हम यहाँ से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कैंची से अलग करेंगे। इसको अलग करने के बाद हम यहाँ से 21 इंच का कपड़ा नापेंगे, जो हमारा 21 इंच है यहाँ पर है। और ये इस कपड़े को नापने के बाद हम यहाँ से दोबारा से इस कपड़े को अलग करेंगे। इस तरह से दोस्तों, इसको अलग करने के बाद हम इस कपड़े को इस तरह से फैलाएंगे और ये हमारे जो दो कपड़े हैं और ये जो हमारा पजामा है इसमें हम दो ही जेब लगाने वाले हैं। इसलिए देखिए दोस्तों, हमने दोनों कपड़ों को एक साथ ले लिया है और इस तरह से लेने के बाद हम यहाँ पर जो ये हमारा कपड़ा है आपको इसी तरह से बिछा लेना है और यहाँ से इस कपड़े को आपको इस तरह से एक बार फोल्ड करना है। हमें जो यहाँ से कपड़ा चाहिए वो चाहिए 6.5 इंच का। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 7.25 इंच आ रहा है तो हमें 7.25 इंच का जेब जो हमारी सही रहेगी। और 7.25 इंच के बाद जो हम देखते हैं हमारे ऊपर का जो कपड़ा है वो बचता है यहाँ पर 7.5 इंच का। दोस्तों, हमें जो जेब का मुँह रखा है हमने वो रखा है 6.5 इंच का और यहाँ पर हम इसको 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ से 1/2 इंच यहाँ से और 1/2 इंच ऊपर की तरफ से है जो सिलाई में फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से करने के बाद देखिए दोस्तों, हम एक तरफ से इस कपड़े को बिल्कुल साफ करेंगे और सीधा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक तरफ से हमारे कपड़े की सीधी कटिंग कर ली है और उसके बाद यहाँ पर हम जो हमारा तिरछा कपड़ा है, जो हमारी पॉकेट रहेगी तिरछी, जो अंदर की गहराई रहने वाली है वो रखेंगे इसको हम 7 इंच। यहाँ से भी हमने 7 इंच ले लिया है और यहाँ से भी हम इसको 7 इंच लेंगे। इस तरह से 7 इंच लेने के बाद दोस्तों, इस 7 इंच को ऊपर से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कपड़े को बिल्कुल अलग कर लिया है और इस तरह से इसको अलग करने के बाद हम यहाँ पर इसमें हल्के हल्के से देखिए दोस्तों कुटके का निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये कुटके इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें पता रहे सिलाई लगाते वक्त यहाँ से हमें इसको फोल्ड करना है। इस तरह से देखिए दोस्तों, कुटके हमने लगा लिए हैं। आपको एक बार फिर से इस कपड़े को इस तरह से पकड़ लेना है और इस तरह से पकड़ने के बाद आपको इस तरह से इसको 4 फोल्ड कर लेना है। इस तरह से 4 फोल्ड करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ से ये देखिए जो इसका सेंटर है हमारी लंबाई का, यहाँ से तकरीबन आपको 1 इंच यहाँ पर इसको निशान लगा लें, चाहे आप अंदाजे से कैंची से इसको डाउन कर लें और आपकी कटिंग इस तरह से करनी है। देखिए आपको इस तरह से कटिंग करनी है। ये देखिए दोस्तों, आपकी जो कटिंग है इस तरह से हो जाएगी। बाकी का जो काम है दोस्तों हम आपको बताएँगे मशीन पर। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा कपड़ा है और इस कपड़े में हम लगाने वाले हैं पॉकेट। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे दोनों पैर के हिस्से हैं लेकिन हम यहाँ पर एक को हटा देंगे साइड में और यहाँ से एक को ही उठा लेंगे। और इस तरह से एक को उठाने के बाद दोस्तों, अब यहाँ पर हम इसमें सिलाई लगाएंगे।
और सिलाई दोस्तों हम यहाँ से शुरू करेंगे और सिलाई यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई जो लगाएंगे दोस्तों वो लगाएंगे पक्की वाली सिलाई। यहाँ पर दोस्तों सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हम इस सिलाई को यहाँ पर रिवर्सिवर करेंगे और जिससे हमारी सिलाई यहाँ पर पक्की हो जाएगी। इस तरह से पक्की करने के बाद दोस्तों यहाँ से और यहाँ पर यहाँ तक जो हमारी जेब का मुँह है इस ये जो हमारा दायरा है इसके अंदर हमारी जो सिलाई लगेगी वो लगाएंगे हम कच्ची, क्योंकि सिलाई हमें दोस्तों जेब लगाने के बाद ये सिलाई को दोबारा से खोलना है। यहाँ तक सिलाई दोस्तों जब भी आपकी सिलाई आ जाएगी तो आपको यहाँ से दोबारा से इसको पक्की कर लेना है और पक्की करने के बाद जो आगे की सिलाई रहेगी हमें सारी सिलाई को पक्की ही लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सिलाई जो हमारी इसको लगा लिया है और ये सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर जो हमारे निशान है इनको हम यहाँ से कैंची से कट लगा लेंगे इस तरह से। और इस तरह से कट लगाने के बाद दोस्तों ये जो हमारा कपड़ा है हम इसको इस तरह से खोल लेंगे। और इस तरह से खोलने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो हम जहाँ पर हमने कच्ची सिलाई लगाई है यहाँ से हम इस तरह से इसमें नाखून जैसा करेंगे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने इसको सीधा है जो कर लिया है। और इस तरह से सीधा करने के बाद हम यहाँ से जो हमारा कपड़ा है ये देखिए दोस्तों ये जो हमारा किनार वाला कपड़ा है इसके ऊपर हम एक एक पैर की सिलाई लगाएंगे। यहाँ से ऊपर की तरफ से सिलाई शुरू करेंगे दोस्तों और जो हम सिलाई लगाएंगे वो यहाँ तक लगाएंगे जहाँ पर जो हमारी जेब का नीचे वाला हिस्सा रहेगा यहाँ पर हम इस सिलाई को ख़त्म करेंगे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारी सिलाई है वो आ चुकी है। और यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ से इसको इस तरह से घुमा लेंगे और यहाँ से घुमाने के बाद दोस्तों हमारी सिलाई को यहाँ पर हम आगे तक लाएंगे इस तरह से। और इस तरह से लाने के बाद दोस्तों हम वापस से इस सिलाई को इस तरह से घुमाएंगे और इस सिलाई को लगाते हुए बाहर तक निकल जाएंगे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने सिलाई जो हमारी लगा ली है और सिलाई लगने के बाद बाहर से दोस्तों ये ऐसा नज़र आ रहा है इस तरह से। और इस तरह से देखिए दोस्तों ये सिलाई लगाने के बाद अब हमारी जो अगला काम बचता है वो बचता है जेब बनाने का, जो जहाँ हमने जेब की कटिंग की है उसके ऊपर हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों ये हमारे पास वो कपड़ा है जो हमने जेबों की पहले से ही कटिंग कर ली है, इनके ऊपर हम यहाँ से अब सिलाई लगाएंगे। दोस्तों पजामे में सिलाई लगाना और पॉकेट लगाना बहुत ही आसान है, बस आपको हमारी वीडियो को पूरा देखना है, जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं आपको उनको अच्छी तरीके से समझना है। देखिए दोस्तों यहाँ से जो हमारा कपड़ा है जो हमने कट लगाए हैं इन कट के ऊपर से हमें इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम एक एक पैर की सिलाई लगाएंगे। और दोस्तों जो हम सिलाई लगाएंगे ये जो हमारा कपड़ा है ये देखिए इस कपड़े से तकरीबन आधा इंच पीछे ही हमें सिलाई को ख़त्म कर लेना है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने सिलाई को आधा इंच पहले ही ख़त्म कर लिया है और इस तरह से इसको, और उसके बाद हमें इस जेब को इस तरह से घुमा लेना है। और जिस तरह से हमने सिलाई यहाँ पर लगाई है सेम इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे। और दोस्तों सिलाई लगाएंगे हम यहाँ से ऊपर की तरफ से तकरीबन आधा इंच छोड़ के। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने दोनों साइड जो हमारी सिलाई को लगा लिया है। और ये सिलाई लगाने के बाद दोस्तों हम इसको इस तरह से जेब को सीधा करेंगे। और इस तरह से इसको सीधा करने के बाद देखिए दोस्तों ये आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगी। ये देखिए दोस्तों ये जो हमारी जेब है उसकी सिलाई जो कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम सिलाई को और जो हमारा जो कपड़ा है इन दोनों को एक साथ अटैच करेंगे सिलाई से। और दोस्तों ये देखिए हम सबसे पहले ये जो हमारा कपड़ा है हम इस कपड़े को इस तरह से बिछा लेंगे। ये देखिए दोस्तों ये तो हमारा ऊपर वाला हिस्सा रहेगा जहाँ पर हम नाड़े का नेफा बनाने वाले हैं। और ये दूसरा वाला हिस्सा है जो नीचे का रहेगा जहाँ से हम मोहरी की सिलाई लगाएंगे। ये जो हमारा जो जेब है हमें इस जेब को यहाँ से इस तरह से पकड़ना है। और देखिए दोस्तों ये जो हमारी सिलाई है इस सिलाई को सिलाई से मिला लेना है ये देखिए। और इस तरह से सिलाई मिलाने के बाद हम यहाँ पर एक बीच में सेंटर में कट लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए दोस्तों ये हमारा जो कट है हमने लगा लिया है। और इस तरह से कट लगाने के बाद आपको इस कपड़े को इस तरह से पकड़ना है। ये जो हमने जेब की जो थैली बनाई है दोस्तों इस थैली वाले कपड़े को इस तरह से पकड़ना है। और इस तरह से पकड़ने के बाद आपको इसको इसके ऊपर इस तरह से इसको जमा देना है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने इस कपड़े को यहाँ से इसके ऊपर जमा लिया है। और ये जो हमने कट लगाया था दोस्तों सेंटर का ये हमारा कट है जो हमारी सिलाई के ऊपर इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों ये हमारा इस तरह से इसको मिलाने के बाद हम यहाँ पर सिलाई इसमें लगाएंगे और जो हमारी सिलाई शुरू करेंगे दोस्तों हम सिलाई करेंगे शुरू यहाँ से।
ये देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। सिलाई लगाते वक्त आपको एक बात का ख्याल रखना है, ये देखिए जो अंदर का हमारा कपड़ा है दोस्तों, ये देखिए ये जो हमारा अंदर का कपड़ा है ये सिलाई में नहीं सिलना चाहिए, ये हमें हमेशा बाहर ही रखना है। और सिलाई लगाते वक्त आप इसको महसूस भी कर सकते हैं, ये कपड़ा हमें यहाँ से बचाना है। और इस कपड़े को बचाते हुए दोस्तों यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे और हमारी सिलाई यहाँ पर इसको ख़त्म करेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सिलाई जो हमारी लगा ली है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा जो कपड़ा है हमने उसकी सिलाई जो नहीं की है, यानी हमारा जेब का जो मुँह जेब है जो बिल्कुल एकदम खुली है। और यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाने के बाद दोस्तों आपको इस कपड़े को इस तरह से फैला लेना है। ये देखिए ये जेब का जो हमारी थैली है वो हमने इसको नीचे की तरफ कर लिया है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर जो हमारा कपड़ा है जेब का, इसको तकरीबन आधा इंच के लगभग यहाँ से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारे ऊपर का हिस्से का कपड़ा है जेब का, वो हमें यहाँ पर सेंट जो हमारी सिलाई है इसके सेंटर में बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल बराबर रखना है दोस्तों। अगर हम इसको यहाँ पर बराबर नहीं रखेंगे तो हमारी जेब है जो वो टेढ़ी नज़र आएगी। ये देखिए इस तरह से यहाँ से इसको बराबर करने के बाद हम यहाँ से जो हमारी सिलाई है इस सिलाई को शुरू आगे करेंगे यहाँ से। और दोस्तों ये जो हमारी सिलाई है इस सिलाई को हम यहाँ पर आगे तक लाएँगे, और यहाँ पर जो हमारी सिलाई लगेगी वो लगेगी किनार पर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिलाई आने के बाद आपको इस कपड़े को इस तरह से घुमा लेना है, और इस तरह से घुमाने के बाद यहाँ पर दोबारा से इसको अंदर तरफ फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ से तो हमने अंदर फोल्ड कर लिया है, सेम इसी तरह से जो हमारा दूसरे वाला हिस्सा है इसको भी हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे। और देखिए दोस्तों, ये जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है ये हमारी सिलाई के बिल्कुल सेंटर में रहना चाहिए इस तरह। देखिए दोस्तों, आपको भी सिलाई इसी तरह से लगानी है। और ये देखिए, ये सिलाई लगाने के बाद ये जो हमारा कपड़ा है इसको दोबारा से हम तकरीबन आधा इंच के लगभग अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद इस सिलाई को हम आगे तक ले जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, जब भी सिलाई हमारी यहाँ पर आ जाएगी तो हमें यहाँ से सिलाई को आगे तक ले जाना है। और यहाँ तक देखिए दोस्तों, जो हमें सिलाई लगानी है सिर्फ यहीं तक लगानी है, जहाँ से हमने सिलाई स्टार्टिंग की लास्ट इसकी जड़ तक हमें सिलाई को बस लगाना है, इससे आगे तक नहीं पहुँचाना है। और यहाँ पर जब भी हमारी सिलाई आ जाती है तो दोस्तों यहाँ पर हमें सिलाई को यहाँ पक्की करने के बाद इसको उतार देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने हमारी जेब जो लगकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। और ये देखिए, हमने अंदर से इसके सारे के ऊपर सिलाई हो जो लगा दी है दोस्तों। ये सारा काम कंप्लीट होने के बाद आपको ये जो हमारा कपड़ा है पॉकेट को छोड़ते हुए, ये हमारा जेब का कपड़ा है, देखिए दोस्तों हमने इसको छोड़ दिया है। और ये जो हमारा कपड़ा है मेन कपड़ा, इसको हमने यहाँ से पकड़ लिया है। और दोस्तों इसको इस तरह से पकड़ने के बाद ये देखिए जो हमारी सिलाई है, इसको खींच के देख लें, ये जो हमारी सिलाई है इसमें से हमें एक टांके को यहाँ से कैंची से काट देना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इस टांके को काट दिया है, और उसके बाद इसको हल्का सा खींच लिया है। ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारा धागा है इसको सारे को खींच लेना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो आगे जो ये धागा खींचने के बाद जहाँ पर हमने जो पक्की सिलाई है वहाँ तक ये जो हमारी सिलाई पहुँच चुकी है। और उसके बाद नीचे से भी सेम हमें इसी तरह से करेंगे, ये हम एक धागे को पकड़ेंगे और सारे धागे को इस तरह से खींचेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से खींचने के बाद ये हमारी जेब का मुंह बन चुका है, और ये हमारी पॉकेट है दोस्तों बन चुकी है। और ये हमारी पॉकेट की जो चौड़ाई है वो 6.5 इंच के लगभग है, और ये हमारा हाथ इसमें आराम से जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये है पजामे की पॉकेट। सेम इसी तरह से आपको दूसरे वाले हिस्से में भी यही सेम तरीके से पॉकेट लगानी है दोस्तों। ये है आज का हमारा पॉकेट लगाने का सिंपल और आसान तरीका। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये हमारा पॉकेट लगाने का तरीका है जो आपको पसंद आ जाएगा। दोस्तों अगर आप इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों साथ में ऑल नोटिफिकेशन के बटन को भी दबा लीजिए, क्योंकि दोस्तों जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँच जाएगी। मिलते हैं आपसे दोस्तों इसी तरह की कोई अगली और यूज़फुल और काम की वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।